क्लास 12th की एनसीईआरटी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक प्रश्न नया अध्ययन करेंगे। वृत्ताकार धारावाही कुंडली में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न है हमारा कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली या फिर धारावाही वृत्ताकार कुंडली, कैसे भी दे सकता है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसके लिए हम पहले चित्र बनाएंगे। चित्र इसका रहेगा, देखिए आपको एक गोल धारावाही कुंडली लेनी, तो वृत्ताकार है तो वृत्ताकार के हिसाब से आप वृत्त की तरह बना ले इसे। ये आपकी एक धारावाही कुंडली है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। तो O केंद्र और R त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। इसमें यहाँ से ये I धारा बह रही है और ये इधर से होते हुए इधर आ रही है। तो क्या है, क्योंकि हमने माना कि ओ केंद्र और आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है, इसमें आई धारा प्रभावित हो रही है और जिसके केंद्र ओ पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो जिस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है? तो ये लिखना भी है आपको, मैंने पहले से लिख लिया है कि माना कि केंद्र O और R त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है, इसमें I धारा प्रभावित हो रही है तथा वृत्त के जो केंद्र है या कुंडली है, इसका जो केंद्र है इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मान के चल रहे हैं कि ये जो कुंडली है छोटे छोटे अल्पांश से मिलकर बनी है। एक अल्पांश यहाँ पर हम मान रहे हैं कि ये जो कुंडली है ये छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बनी है। ऐसा ही एक अल्पांश ए भी हम मान रहे हैं। अच्छा, अल्पांश का मतलब होता है अल्पांश, अल्प है कि इसको टुकड़ा करेंगे तो अल्प और अंश, और अल्प का मतलब होता है छोटा और अंश का मतलब होता है भाग, छोटे छोटे भागों से मिलकर बनी है। तो क्या किया है कि माना कि ये कुंडली अनेक अल्पांशों से मिलकर बनी है। ऐसा ही एक अल्पांश ए भी है जिसकी लंबाई डी एल है। अच्छा, डी एल क्यों बनाई, क्योंकि लंबाई तो एल रहती है पर छोटी है नहीं अल्प। तो किसी भी कार्य को जब हम छोटा करते हैं तो उसके लिए कार्य यदि करते हैं तो उसके लिए डी डब्ल्यू लगाते हैं। कब, जब छोटा कार्य होता है। इसलिए यहाँ पर भी छोटे छोटा अल्पांश है इसलिए लंबाई भी क्या बनी, छोटी, तो डी एल बन गई। एक बार रिवाइज कर देते हैं क्या क्या लिखना है इसमें, बस ये चित्र आपका कंप्लीट हो गया है। तो माना कि ओ केंद्र और आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है, इसमें आई धारा बह रही है तथा कुंडली के केंद्र ओ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना कि ये जो कुंडली है वो अनेक अल्पांशों से मिलकर बनी है, जो कुंडली है वहाँ अनेक अल्पांशों से मिलकर बनी है, और एक ऐसा ही अल्पांश एक ए बी है जिसकी लंबाई कितनी है, डी एल है। तो अब अल्पांश के कारण, अब प्रश्न में जाओ क्या कह रहा हो कि अल्पांश के कारण क्या करेंगे, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। पहले अल्पांश के कारण निकालेंगे, और ये जो कुंडली है पूरी छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी है इसलिए एक भाग अल्पांश का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में संपूर्ण कुंडली का निकाल लेंगे। तो पहले अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर, कुंडली के केंद्र पर। तो अपन हम लिखेंगे कि अल्पांश के कारण
कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश के कारण क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता जो रहता है और हमने पढ़ा है, क्योंकि अल्पांश के कारण है इसलिए क्या लिखेंगे, डीबी, जो हमें बायो सेवर्ट के नियम में पढ़ चुके हैं वही सूत्र लिखना है कि म्यू जीरो बटा फोर पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आर आपने यहाँ पर इस तरह बनाया तो यहाँ पर भी आर उसी तरह रहे, आप मन चाहे वैसा बना सकते हैं, जैसा आर आपने यहाँ पर बनाए उसी प्रकार आपको बनाना है। ये समीकरण नंबर एक के पहले पर ये कहाँ से लिखा है हमने कि बायो सेवर्ट के नियम से, कहाँ से लिखा है, बायो सेवर्ट के नियम से। ये कहाँ से, ये बायो सेवर्ट का नियम है उसे लिखा हमने अल्पांश से। अब और हम जानते हैं एक बात, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि यहाँ पर चित्र में देखें कि जो व्रत रहता है ये हमने पढ़ा है पहले, ये रफ टाइप है, ये इसका केंद्र है, तो व्रत की त्रिज्या जो होती है वो व्रत की परिधि पर लंब होती है, लंब यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। व्रत की त्रिज्या व्रत की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि वो लंब होती है। तो ये जो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो इसको लिखेंगे, हम जानते हैं कि व्रत की त्रिज्या परिधि पर लंब होती है, इसलिए थीटा का जो मान रहेगा कितना रह जाएगा, 90 डिग्री। तो बस यहाँ पर थीटा की जगह पर लिख देंगे 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। क्या कर रहे हैं कि थीटा की जगह पर हम 90 डिग्री रखेंगे और फिर यहाँ पर बन जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, इसलिए बन जाएगा म्यू जीरो बटा फोर पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। साइन थीटा दिया है क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1। ये आगे करेंगे, ये डी बी इक्वल म्यू जीरो बटे फोर पाई आई डी एल साइन कितना हो गया थीटा जगह पे 90 डिग्री और बटा आर स्क्वायर, और डी बी बराबर म्यू जीरो बटे फोर पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। समीकरण नंबर एक यहाँ पे दर्शा दें आप, क्यों साइन 90, क्योंकि चूंकि साहब साइन 90 का मान 1 होता है। क्लियर है, ये आपका समीकरण नंबर एक बन गया है। क्या किया है हमने, फिर से देखे चित्र में समझे आराम से कि वृत्ताकार धारावाही, प्रश्न था हमारा है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो हमने चित्र बनाया, माना कि ओ केंद्र और आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा कुंडली के केंद्र ओ पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर हमने माना था कि माना कि ये जो कुंडली है टोटल, ये गोल गोल, इसे ये अनेक अल्पांशों से मिलकर बनी है, ऐसे ऐसा ही एक अल्पांश ए बी है जिसकी लंबाई हमने डी एल रखी है। अब अल्पांश के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि पर उसने पूछा था कि कुंड धारावाही कुंडली संपूर्ण कुंडली, तो बाद में निकालेंगे संपूर्ण कुंडली का, पहले किसका निकलेगा, क्योंकि अल्पांश माना है हमने, छोटे छोटे अल्पांश से मिलकर बनी है इस कारण से। अब अल्पांश के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता,
ये बायो सेवर्ट का नियम है, ये टोटल वैसे का वैसा डी बी इक्वल म्यू जीरो, इसे म्यू जीरो पढ़ते हैं, म्यू और जीरो, ये आपको लिखना नहीं है, मैंने आपको पढ़ के बताया, म्यू जीरो आई डी एल साइन थीटा और आर स्क्वायर। अब बायो सेवर्ट के नियम से हम जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। तो साइन थीटा का मान कितना हो गया 90 डिग्री, और ये आगे इसके डी बी इक्वल म्यू जीरो आई डी एल साइन थीटा और साइन 90 डिग्री, सॉरी साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1, इसलिए समीकरण नंबर 1 बन गया। अब आप इसे आराम से अच्छे से नोट कर ले, यहाँ तक आप लिख ले रोक कर, या फिर स्क्रीन शॉट ले ले, आप कुछ भी किसी भी तरह। फिर ये दूसरी बार यहाँ से आराम से आप लिख ले, इसके आगे हम पार्ट 2 में फिर इसका पूरा अध्ययन करें, जब तक आप इसे आधे को कंप्लीट कर लें।